हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये लिए मैंने कुछ सब्जियाँ, तो अभी मैं इनको सेट कर देती हूँ इन्हीं की जगह पर। और मैं आपको पता है, जैसे कि हमारे यहाँ सब्जी वाले डेली निकल के जाते हैं, तो मैं फ्रेश लेती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही। और अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच, और लंच में मैं आज सादा पराठे और उनकी फेवरेट टमाटो केचप देके आऊँगी, जो उनकी डिमांड है। और बच्चों के लिए मैंने बनाए सादा पराठे, और ये देख सकते हैं उनकी चटनियों के साथ में मैं रख रही हूँ। और अपने लिए बनाऊंगी मैं पोहा, और हस्बैंड की डिमांड थी वो अंडा पराठा लेंगे, तो उसी हिसाब से मेरा रूटीन चलेगा। और आज मैंने मशीन लगा दी है, तो मैं टॉवल ही धो रही हूँ सारी, तो मैं इसी तरीके से धोती हूँ। एक दिन मैं टॉवल ही टॉवल धो देती हूँ अपनी चारों की, और किसी दिन मैं चादर के लिए ही लगाती हूँ, और एक दिन मैं कपड़ों के लिए ही लगाती हूँ। तो इसी तरीके से मैं अलग अलग करके मशीन लगाती हूँ। और मैं ये अभी मिर्च ली थी मैंने, तो इनको मैं इनका डंठल निकाल कर और अच्छे से इसी में एयर टाइट करके स्टोर कर दूँगी, तो ये मेरे वीकली चल जाती हैं। अभी मैं क्लीन करती हूँ बर्तन सारे फटाफट से। और ये मेरे सारे बर्तन इधर क्लीन हो चुके हैं, और अब मैं किचन की कर दूंगी सफाई। तो मैं सबसे पहले मशीन मैंने पहले ही डाल दी थी, उसमें टॉवल वगैरह तो वो हो चुकी है, तो अभी मैं उनको वॉश कर दूंगी। और साथ के साथ मैं अपना किचन क्लीनिंग का भी काम करती जा रही हूँ। और सभी लोग जानते हैं कि हम हाउसवाइफ कुछ ऐसी होती हैं कि एक साथ ही हम लोग बहुत सारे काम हैंडल कर लेते हैं जब हम किचन में होते हैं। तो
अभी किचन मेरी हो चुकी है क्लीन और अभी मेरे टॉवल्स भी एक एक करके साफ होती गई हैं। और मैं नहा भी ली हूँ, तो चलिए अब तैयारी करती हूँ मैं अपना पोहा बनाने की। पोहे को अच्छी तरीके से साफ कर लिया और मैं इसके लिए एक प्याज और एक टमाटर काट लूंगी। और बेसिक है, ये सबको आता है बनाना, इसमें कुछ टास्क नहीं है। और ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बना रही हूँ, बच्चे स्कूल से आएंगे क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, वो जल्दी आ जाएंगे, तो मैंने वैसे पराठे रख दिए, अगर उनको हल्का फुल्का कुछ खाना होगा तो वो पोहा भी खा सकते हैं और अदरवाइज उनकी चॉइस है। मैं पर्सनली बोलूँ, मुझे पोहे में हल्दी नहीं पसंद है, बट ऑलमोस्ट लोग पोहे में हल्दी डालते हैं, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है उसका कलर देखने में, तो मैं अपने लिए जब भी बनाती हूँ ऐसा सिंपल ही बनाती हूँ। और मैं सभी चीज़ों में डालती हूँ हल्दी वैसे तो। और इसको मैं 2 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दूंगी और उसके बाद में मैं अभी डाल लूंगी ये। और अभी मैं आ गई थी शाम को चाय बनाने के लिए। साथ के साथ ये हमारे काम बर्तन ऑर्गेनाइजिंग के। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच।